is distributed over its volume. Iska mass m hai, radius r hai. Iska volume 4 by 3 pi r cube hai. To andar bhi iske mass hai. Aur maine aapko bataya ki sphere jo hai, wo kaise bana hua hai, bahut sare elementary portion kya hai iska? Disk. Aap isko agar vertical portion mein kaatna start karoge, to kya nikalti aayengi? Bahut sare disk niklenge. Lekin size sabhi disk ka same nahi hoga. To maan lo, कोई भी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसको आप इसे रोटेट करना है. स्फेयर का एक फायदा है, स्फेयर में ये फायदा है कि आप इसका एक्सिस ये ले लो, ये ले लो, जो मर्जी ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम होगा. उसका रीजन ये है क्योंकि जो एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, थ्री डी बॉडी है, तो बाय सिमेट्री आंसर विल रिमेन सेम. ये स्फेयर है, यहाँ ये भी इसका डायमीटर है, ये भी इसका डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर. जहां से मर्जी एंटर करवा दो सेंटर में से एक्सेस, आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा. उसके अबाउट घूमना स्टार्ट कर देगा. क्या पॉइंट क्लियर है? तो इसके अबाउट ये एक्सेस लिया. ये कि याद रखना, जो डिस्क कटिंग करनी है वो ऐसे नहीं करनी, डिस्क की कटिंग अब इसके परपेंडिकुलर करनी है. उसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों. तो आप इसको डिस्क की फॉर्म में इमेजिन करो, और आप इमेजिन करो कि आपने एक डिस्क बीच में ले ली है. लेट अस सपोज ये एक डिस्क है जिसकी थिकनेस डी एक्स है, ये रही. तो लेट अस सपोज आपने एक डिस्क कंसिडर कर ली, एक डिस्क कंसिडर की, और ये डिस्क कितनी दूरी पे कंसिडर की? एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स. ठीक. तो डिस्क का सेंटर जो है वो स्फेयर के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है. कोई भी कंसिडर कर लो. और स्फेयर का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है? आर. तो डिस्क का रेडियस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. जो डिस्क है उसका रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हो, अगर x की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो ये डिस्क बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी. उसका रेडियस क्या हो जाएगा? x को जीरो पुट करो, इक्वल टू r. और अगर x को r पुट करते हो, r, तो डिस्क बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगी. r स्क्वायर कैंसिल, तो उसका रेडियस क्या होगा? जीरो. सबसे बड़ी डिस्क सेंटर से कटेगी, फिर साइज छोटा छोटा करते करते एक पॉइंट आ जाएगा जिसका रेडियस क्या होगा? जीरो. डिस्क का स्फेयर का रेडियस r है, डिस्क का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस x है. पाइथागोरस से निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है यहां तक. अब मुझे क्या करना है? मेरे को इस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट. तो एक काम करते हैं, हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं पहले इस एक्सिस के अबाउट, जो कि स्मॉल होगा. स्फेयर के लिए डिस्क इज स्मॉल. तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें क्या होगा? डी आई होगा. ठीक. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डी आई. तो अगर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने डी आई, ऐसी सभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला दें, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा? स्फेयर का. ठीक है यहां तक. कोई डाउट इसमें? तो इस केस में सबसे पहले इसका मोमेंट इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला बताओ, डिस्क का क्या होगा? डी आई से रिप्रेजेंट कर लें. डिस्क का मोमेंट इनर्शिया स्फेयर के मुकाबले स्मॉल होगा. डी आई एलिमेंट्री पोर्शन है डिस्क. इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, डिस्क का मोमेंट इनर्शिया निकालने का क्या होता है? हाफ इंटू मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर, हाफ इंटू मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस ऑफ डिस्क का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ. अब मुझे क्या चाहिए होगा? मास ऑफ डिस्क. मास ऑफ डिस्क निकाल लें. मान लो डीएम है, डीएम इज मास ऑफ डिस्क, क्योंकि स्फेयर के मुकाबले डिस्क स्मॉल है, तो
डिस्क का मास डीएम हो जाएगा, और रेडियस कितना है डिस्क का, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले किसका निकालना है, डिस्क का, और डिस्क का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का हमें मालूम है, हाफ इंटू मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस ऑफ डिस्क का होल स्क्वायर। इसे पिछला क्वेश्चन अभी हमने किया, ठीक। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ डिस्क, तभी क्वेश्चन आगे चलेगा। मास ऑफ डिस्क के लिए मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे, वॉल्यूम वाइज, कि अगर पूरा स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ है तो उसका मास कितना है m, अगर 1 है तो m डिवाइडेड बाई 4/3 πr³। और अगर वॉल्यूम कितना है, इस डिस्क का वॉल्यूम कोई बताएगा, डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। इसकी थिकनेस इमेजिन कर लेते हैं, ये जो थिकनेस है इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएक्स, डीएक्स। तो डिस्क का एरिया कितना है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो डिस्क का वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटू डिस्क का रेडियस कितने, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल, और इंटू थिकनेस कितनी है, डीएक्स। ये स्टेप क्लियर है? सिलेंडर वो उसका छोटा नहीं हो रहा, वो जो पोर्शन है, अच्छा हाँ 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 वैसे कर सकते हैं, राइट, पाई आर स्क्वायर एच बोल रहा है वो, तो थिकनेस को एच ले लो, डीएक्स ले लो, कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें जो वॉल्यूम आ गया डिस्क का, क्लियर है कैसे आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम सिंप्लीफाई करके आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना, डीएक्स। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ डिस्क, ठीक। मास ऑफ डिस्क निकालने, अगर स्फेयर का वॉल्यूम इतना है तो मास इतने है, 1 है तो इतना मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर डिस्क का आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है तो मास कितना हो गया, एम डिवाइडेड बाई 4/3 πr³ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये क्या आ गया, डीएम, डीएम का मतलब मास ऑफ डिस्क आ गया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्क से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मास ऑफ डिस्क आएगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ये स्कूल में पूछा नहीं जाएगा वैसे, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एंड में फॉर्मूला याद करना है, तो मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होकर सिर्फ अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को समझो, क्योंकि ये बार बार हो सकता है किसी कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल में ऐसी टेक्निक काम आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं हम काम, ठीक। तो ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये मास की वैल्यू आ जाएगी 3m/4r³ r² - x² * कितना, dx, ठीक, डीएम की वैल्यू आ जाएगी। इस मास को उठा के यहां पुट कर दें, ये कैंसल, डी आई विल बी इक्वल टू हाफ, डीएम की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3m डिवाइडेड बाय 4r³ इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस डीएम को उठा के यहां पुट कर दिया और इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डीएम की जगह हाफ का हाफ, ये पूरा डीएम यहां पर, और इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी 3/8 m² r² - x²² * dx। सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी,
ठीक है यहाँ तक। सो नेक्स्ट, अब इसे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल बी इक्वल टू 3/8 एम आर क्यूब कॉमन, और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। लिमिट लगेगी 0 से लेके कहां तक, आई तक। अब यहां पे लिमिट क्या लगेगी, अगर कोई ये कहेगा कि सर 0 से r तो क्या प्रॉब्लम है, अगर x 0 बोलते हो तो डिस्क पहले यहां पर आएगी, r बोलते हो तो आखिरी आएगी, इससे आपका आधा स्फीयर ही कवर होगा। या तो 0 से r बोलो और इनटू क्या कर दो 2 ट्वाइस। क्यों, क्योंकि 0 x is equal to 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, x is equal to r यहां पर एंड हो रहा है, तो आपकी डिस्क यहां 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 की डिस्क तो कवर हो गई लेकिन ये वाली बच गई, तो इसलिए अपने रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो। या फिर वही तरीका, आप जाके यहां पर इसको मान लो ओरिजिन, और इसको ओरिजिन मानते हुए आप ये बोलो कि जो डिस्क यहां से स्टार्ट होगी, पहली डिस्क, फिर सेकंड, थर्ड, करते 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 यहां पर, तो ये जो पॉइंट होगा एक्स का वो क्या माना जाएगा, माइनस आर, और यहां से डिस्क प्लेस करते जाओ, थिकनेस बढ़ती जाएगी, और ये जो पॉइंट आएगा ये किसका आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस आर, सेंटर को ओरिजिन मानते हुए माइनस आर से लेके प्लस आर, ठीक वही जैसे रॉड में किया था। तो यहां पर माइनस आर से लेके प्लस आर, तो यहां पर आई विल बी इक्वल टू 3/8 एम आर क्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज इसको ओपन कर लेते हैं, आर इज टू पावर 4 एक्स इज टू पावर 4 टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस आर से लेके प्लस आर, या फिर आई विल बी इक्वल टू 3/8 एम आर का क्यू आर रेज टू पावर 4 डी एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स माइनस टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस आर से लेके आर माइनस आर से लेके आर माइनस आर से लेके आर। ये समझ में आया, मैंने ओपन कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ब्रेक कर लिया एक स्टेप में, x वाली टर्म अंदर बाकी कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट है ही नहीं इसमें, ये स्टेप आ गया। ठीक, इंटीग्रेशन के रूल्स हैं। इसके इंटीग्रेशन करें अगर, तो आई विल बी इक्वल टू 3/8 एम आर का क्यूब आर इज टू पावर 4 इसकी इंटीग्रेशन एक्स माइनस आर से आर एक्स की पावर 5/5 माइनस आर से लेके आर माइनस टू आर स्क्वायर एक्स क्यूब से लेके क्यूब 3 माइनस आर से लेके आर। एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आप चेक कर लेना, आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। करने की जरूरत नहीं है, आपको पूछेगा नहीं कोई, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस तरीके से सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा। तो स्फेयर का तो बिल्कुल भी प्रूफ नहीं आता, बट आपको एक आइडिया हो गया कि स्फेयर का मोमेंट इनर्शिया कैसे निकलता है और फॉर्मूला बहुत यूज होता है स्फेयर का। हाँ जी, याद क्लियर है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। डिस्क का
हाफ एम आर स्क्वायर, रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 12 और सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, बस ये चीज काम की असल में, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फिगर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, देखो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दो बार निकालेंगे। फर्स्ट टाइम ये एज्यूम करेंगे कि आपका सिलेंडर का एक्सिस ऐसा है, मींस ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है। दो तरीके हैं सिलेंडर को घुमाने के, पहला ये देखो ऐसे, तो अगर ये सिलेंडर मेरे हाथ में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो एक्सिस कहां से पास करेगा इसके, ऐसे। दूसरा केस, सिलेंडर ऐसे अगर घूमना स्टार्ट कर दे तो एक्सिस यहां से। तो हम दो बार करेंगे, एक बार करेंगे ये वाला केस, दूसरी बार करेंगे ये वाला केस। तो आज हम बस लास्ट यहीं तक करेंगे कि जब एक्सिस इसके सेंटर से पास करता है, ठीक। तो करें स्टार्ट, इसमें इसकी जो लेंथ है सपोज कितनी है, एल, लेंथ इज एल। आप रफ कॉपी लो, आप खुद एक बार खुद बनाओ इसे कैसे। आप इमेजिन करो कि ये सॉलिड सिलेंडर किससे बना हुआ है, एलिमेंट्री डिस्क से, और डिस्क का साइज सेम, डिस्क साइज सेम है, हर का रेडियस आर 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 होगा। तो आप कोई भी एक डिस्क इसके बीच में से कंसिडर कर लेना, कोई भी एक डिस्क कंसिडर कर लो इसके बीच में से कुछ ऐसे, ठीक, सच दैट इसकी थिकनेस कितनी है dx और इसका रेडियस कितना है r, ठीक है यहां तक। तो आप क्या करोगे, इसमें एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है इज हाफ इनटू मास ऑफ डिस्क इनटू रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर, और टोटल पूरी फिगर का निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट। खुद कर सकते हो, एक बार करके देखना। पहले एक डिस्क लो, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और फिर सभी डिस्क के लिए इसे इंटीग्रेट करो। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है हाफ इंटू मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर। देखो सबसे पहले इस डिस्क का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, डिस्क का हाफ इनटू मास ऑफ डिस्क इनटू रेडियस ऑफ डिस्क का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लियर है,
डिस्क का मोमेंट इनर्शिया का यही फॉर्मूला होता है, डी आई इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ डिस्क निकालें, मास ऑफ डिस्क बोलो कैसे निकलेगा, पहले ये बताओ कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, तो जैसे अगर पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल है तो मास कितने है, एम है, वन के लिए एम डिवाइडेड बाई कितना पाई आर स्क्वायर एल, और बताओ अगर डिस्क का मास निकालना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बोलो एरिया इनटू थिकनेस, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, थिकनेस कितनी है तो पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस डीएक्स, इसका वॉल्यूम आ गया डिस्क का, क्लियर है यहां तक, पाई आर स्क्वायर इनटू डीएक्स, ठीक, तो कितना आएगा एम पाई आर स्क्वायर एल इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू डीएक्स, क्या आ गया मास ऑफ डिस्क, सॉल्व करोगे तो इस मास ऑफ डिस्क की वैल्यू आएगी एम बाय एल इनटू कितना डीएक्स, ठीक है यहां तक, क्या पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि अगर पूरा वॉल्यूम पूरे सिलेंडर का इतने तो मास एम है, वन के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम और डिस्क का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू डीएक्स, तो इसका मास आ गया, इस मास को यहां पुट कर देते हैं एम बाय एल इनटू कितना डीएक्स इनटू रेडियस ऑफ डिस्क, इस क्वेश्चन में कितना है आर, रेडियस की वैल्यू जो होगी इसमें वो क्या होगी आर, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर डी आई विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम बाई एल इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना डीएक्स, ये आपके पास स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक, और टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करें जीरो से लेके आई तक, ये बताओ एक्स की लिमिट क्या लगेगी, अगर मैं एक्स को जीरो लूंगा तो पहली डिस्क कहां मिलेगी, यहां पे मिलेगी, अच्छा एक्स पहले हम बना देते हैं, एक्स है क्या, एक्स का मतलब है कि आपने कॉर्नर से यहां से एक्स डिस्टेंस पे ये डिस्क ली, मान लो ये मेंशन कर लो चाहे, अब इसकी जरूरत पड़ी नहीं थी अब जरूरत पड़ेगी, तो मान लो आपने इस कॉर्नर से एक्स डिस्टेंस पे एक डिस्क ली, तो अगर एक्स जीरो होगा तो ये डिस्क कॉर्नर पे आ जाएगी, एक्स अगर एल होगा तो एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा हमारे पास, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होके जित एल तक जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होंगे हम चाहते हैं वो पूरे का पूरा क्या हो जाए इंटीग्रेट, तो यहां पर आई विल बी इक्वल टू हाफ एम बाई एल इंटू आर स्क्वायर, वन डीएक्स की इंटीग्रेशन एल होती है, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया हाफ एम आर स्क्वायर, सेम आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, थिन रॉड का होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला याद है आपका काम चल जाएगा, ठीक, एक टॉपिक रह गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके लिए आपको रोटेशनल मोशन की दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो आनी चाहिए, उन थ्योरम्स को करने के लिए आधा घंटा लगेगा, तो आधे घंटे की थ्योरम के बाद ही वो टॉपिक समझ में आएगा, इसलिए अभी हम कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम का काम होगा, ऑब्जेक्टिव शीट दी थी आपको, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 52 ओपन कर लो।